एक पुलवार को बर्खास्त करो। योगी सरकार को बता देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आपके उत्तर प्रदेश राज्य में कहने को मिल रहा है विकास पहले अंधा हुआ था जब हमने कैंडल मार्च निकाला था, विकास नंगा भी हुआ था जब हमने अर्धनग्न प्रदर्शन करा था, विकास ये गंजा भी हुआ है जब हमने जो है मुंडन कराया था, और आज विकास भीख मांग रहा है। ये विकास हो रहा है कि पुरवार जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से। मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं शाहजहांपुर से हूँ। मैं 44 साल का हो चुका हूँ। मेरी वाइफ की कंडीशन बहुत ख़राब है, उनकी डायबिटीज़ के चक्कर में आँखों की रोशनी चली गई है, मैं उनका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, बेटे की पढ़ाई नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरी कंडीशन देखिए, मेरी कंडीशन देखिए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम लोग रिटर्न पेपर देते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान, और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान एक तरफ हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हम पहुंचे हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वैसे तो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर पीएम की सुरक्षा का मामला लगातार देख रहे होंगे, क्योंकि ये संवेदनशील मसला है और उसके डिबेट में मस्त होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर 174 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये धरना प्रदर्शन ये देख रहे हैं, इनके हाथ में कटोरा है, कभी थाली ताली पीटते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन आज ये कटोरा भीख मांगते हुए योगी जी से, आप देख सकते हैं कटोरा लेकर के ये भीख मांग रहे हैं। ये 603 निष्कासित टेक्नीशियन है TG2, जिनको 3 साल नौकरी में रहने के बाद जो है सेवा से निष्कासित कर दिया गया है। उसके विरोध में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है, जो 174 दिनों से लगातार चल रहा है, और इनके हाथों में कटोरा है। आप ये भीख मांग रहे हैं और एक मांग कर रहे हैं कि दोषी AK पुरवार को बर्खास्त करो। क्या पूरा मसला है, कैसे, क्या कुछ है, इनसे जानते हैं। हमने 3 साल की सेवा पावर कॉर्पोरेशन में करी थी, सीधी भर्ती से ज्वाइन करा था, और हमें निकाल कर हमारी जगह दूसरे लोग भर्ती कर लिए, जिसका जिम्मेदार AK पुरवार है। AK पुरवार भ्रष्ट अधिकारी है। हमारा कहना यह है कि हमारी सेवा बहाल करी जाए और AK पुरवार को गिरफ्तार किया जाए और बर्खास्त किया जाए। आप लोग एक अलग अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हाथ में कटोरा है, सिक्का है, क्या कहना चाह रहे हैं? समस्या देखिए, यही अब समय आ गया है कि अब सरकार बिल्कुल चाहती है यही कि हम लोग भीख मांगे। 3 साल सेवा कराने के बाद उन्होंने 2014 की भर्ती पे 2016 का शासन है 2018 में लागू करके हम लोग को निकाल दिया, और नौबत यही आ गई है कि अब लोग भीख भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग की हालत भिखारियों से भी बहुत बुरी हो गई है। अब देख सकते हैं कि बस 4 रुपये से अगर गुजारा हो जाता हो, ठीक है, तो फिर सरकार जवाब दे। योगी जी कहते हैं कि हमने बेरोजगारी दर 0.5% रखी है, यही रखी है 0.5%। आके योगी जी कभी आप उतर के देखिए फील्ड में कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप राम राज्य की सरकार कह के चलाते हैं, यही राम राज्य की सरकार है कि निर्दोषों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे सरकार चलाएंगे आप? बर्तनों की खनक आप सुन रहे हैं, ये भीख मांगने की नौबत इनके साथ आ गई है, ऐसा ये कह रहे हैं, भीख ना मांगने की नौबत आ गई है। भीख मांगने की नौबत आ गई है सर, हमें 3 साल की सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी निकाल दिया गया। इसका जो दोषी है वो AK पुरवार है, जो विभाग में बने हुए हैं अभी भी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम निर्दोष लोग हैं, हम निर्दोष कार्मिक हैं, आचरण नियमावली से बंधे हुए हैं। इसके साथ में हम संवैधानिक रूप से जो है अपने धरने को भी गति प्रदान कर रहे हैं, और संवैधानिक लड़ाई में भी हम जीत चुके हैं। 2 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हो गया है, उस आदेश में इन्होंने जो है घुमाया आदेश को,
ऊर्जा मंत्री को कुछ का कुछ बताया, गुमराह करने का काम AK पुरवान ने करा है। आज 174 दिन हमें यहाँ पे हो गए हैं इको गार्डन में धरना देते हुए। आंधी बारिश तूफान सब हमने झेला, बीवी बच्चों से हम दूर हैं, माँ बाप से हम दूर हैं। हम दो भाइयों की नौकरी एक साथ चली जाती है, दोषी केवल AK पुरवार जिसने अपनी साठ घाट से अपने लड़के रखे हमारी जगह पर, नहीं हमारी लो में हमारी हम हाई मेरिट के लड़के थे, हमारी जगह लो मेरिट करके लड़के उन्होंने रख लिए हैं और वो लड़के आज भी कॉरपोरेशन में बने हुए हैं। दोषी AK पुरवार कॉरपोरेशन में बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो और दोषी AK पुरवार को जो है इसे बर्खास्त करें, इसे जेल में डालें। पता लगनी चाहिए पावर कॉरपोरेशन में योगी जी को, कई ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, उनके प्रमोशन हो जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है। हम लोग तीन साल सरकारी सेवा देने के बाद सारी अर्हताएँ पूर्ण करके हम विभाग में आयोग में आए थे, उसके बाद भी हमें निकाल दिया जाता है, ये सरासर गलत हुआ है। योगी सरकार को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आपके उत्तर प्रदेश राज्य में कहने को मिल रहा है विकास पहले अंधा हुआ था जब हमने कैंडल मार्च निकाला था, विकास नंगा भी हुआ था जब हमने अर्धनग्न प्रदर्शन करा था, विकास ये गंजा भी हुआ है जब हमने जो है मुंडन कराया था, और आज विकास भीख मांग रहा है। ये विकास हो रहा है कि पुरवार जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से उनके साथ जो भी एक दो अधिकारी दो चार अधिकारी और भी लिप्त हैं या कोई भी लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे फेवर में है, उसके बाद भी हमारा समायोजन नहीं हो रहा है, तो योगी जी आपसे अपील है हमारे साथ न्याय हो। ऊर्जा मंत्री जी है आपसे भी रिक्वेस्ट है हमारे साथ न्याय करके हमारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में समायोजन किया जाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और ये आप देख सकते हैं 174 दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका क्या होगा भविष्य आप लोगों का, आपको लगता है कुछ मंशा सरकार की? सरकार की मंशा तो समझ में नहीं आ रही है क्या है, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद करेंगे कि पुरवार का जो भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है आपके गलत नियम बना करके। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा गया है कि जिससे कि नियम बनाए 2018 में लागू करें तो 2014 की भर्ती में लेकर लागू कर दिया जाए, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। और AK पुरवार के हम चाहते हैं उसे बर्खास्त किया जाए। हमारे आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि सबसे पहले आप जितने भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए, और हमारे ऊर्जा मंत्री जी और हमारे न्यायमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि हमारी सेवा को पुनः बहाली करके आप अपने राम राज्य सरकार होने का दावा करें कि उत्तर प्रदेश में आपका राम राज्य का सरकार है और हमारी सेवाओं को पुनः बहाल करें, नहीं तो हम भीख मांगने पर भी मजबूर हो रहे हैं। आज के समय में 3 साल की सेवा करने के बाद भी हम भीख मांग रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कि 3 साल नौकरी करने के बाद भी हम भीख मांगने पर मजबूर हैं, ये तो बहुत दयनीय है। जो 3 साल तक नौकरी की है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आप लोगों के पक्ष में, फिर भी आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है, क्या लगता है चुनाव पे कुछ असर होने वाला है इन सब चीज़ों का? जी सर, अगर हमारे बारे में योगी जी नहीं सोचेंगे तो जाहिर सी बात है हम भी उनके बारे में नहीं सोचेंगे। सर, चुनाव में तो निश्चित तौर पर जो फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी जो समय है हम तो यही गुहार लगा रहे हैं योगी जी से कि किसी तरीके से हमारी मांग सुन ली जाए, किसी एक भ्रष्ट अधिकारी AK पुरवार पर कार्रवाई की जाए, लेकिन जब तक ये आचार संहिता नहीं है तब तक हम अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद की रूपरेखा तैयार करेंगे आगे जो भी हो सकता है, अभी तो हम संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, क्या होने वाला आप लोग? सर, मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं शाहजहाँपुर से हूँ, मैं 44 साल का हो चुका हूँ। मेरी वाइफ की कंडीशन बहुत ख़राब है, उनकी डायबिटीज़ के चक्कर में आँखों की रोशनी चली गई है, मैं उनका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, बेटे की पढ़ाई नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरी कंडीशन देखिए, मेरी कंडीशन देखिए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम लोग रिटर्न पेपर देते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, मेरिट में हाई होने के बावजूद नौकरी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद 3 साल सेवा देने के बाद हम लोग को रातों रात लिस्ट बनती है, रातों रात 12 बजे लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी भी सरकार है जिसमें 3 साल सेवा करने के बाद जो है ये बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी का आलम कुछ और ही है, क्या कहेंगे आपको, क्या लगता है कि क्या स्थिति आप लोगों की कैसे बन रही है, क्या कुछ आगे करने वाले? देखिए, ये हमारी स्थिति ये केवल दिखावा नहीं है, आज हमारी स्थिति रियल में ये हो गई है, हमारे अपने पिताजी का इलाज नहीं करवा पाते, उसके लिए आज हम भीख मांग रहे हैं कि कोई भीख दे दे जिससे हम अपने पिताजी का इलाज करा पाए, हम अपने बच्चों की शिक्षा नहीं करा पा रहे हैं, कोई भीख तो दे हमें जिससे हम शिक्षा करा पाए। मैं सहारनपुर से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 3 साल की सेवा की है, पहली चयन सूची में आए थे, उसके बाद भी आज हम रोड पर आगे खड़े हो गए, हमारी स्थिति आज ये है। योगी जी एक बार तो हमें देखे कि आज हमारी स्थिति हो क्या गई है, ये केवल दिखावा नहीं हो रहा।
तारीख है 2022 का, अब इसमें योगी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या लगता है, कैसे आप लोगों का मसला सुलझेगा? देखिए, यदि हमारा मसला सुलझता है तो हम भविष्य में निश्चित ही तौर पर इस भविष्य सरकार को चुनेंगे। यदि हमारा मसले को सुलझा नहीं जाता है और हमारा समायोजन नहीं किया जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी जी को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 साल, जैसे कि इस एक शख्स ने बताया, और आपकी एज कितनी है? हमारी 42 हो गई है, और अब तो नौकरी के लायक भी हम लोग नहीं बचे हैं। जिनकी छीन ली गई है, उल्टी नौकरी छीन ली गई है, माँ बाप का इलाज कराना है, कैसे क्या होगा, कोई भी सरकार नहीं सोच रही है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतने दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं और इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, और एक एक परिवार जो हम लोगों के प्रकरण के पूर्ण रूप से दोषी हैं उनको सजा दे और हम लोगों का न्याय करे और समायोजन करे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोगों के प्रकरण का मुख्य दोषी जो उस समय के विद्युत सेवा आयोग के चेयरमैन एके परवार जी हैं, और हम लोगों के साथ ये खेल खेला गया है कि लो मेरिट को लेने के लिए एक सिंगल बेंच की आड़ में हम लोगों को बाहर किया गया, क्योंकि उस समय विभाग चाहे तो वहाँ पे पार्टी हम लोगों को रख सकता था या जवाब दे सकता था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है तो हम लोगों को रातों रात निकाल के बाहर कर दिया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्य रूप से दोषी एके परवार हैं और उसे सजा मिले और हम लोगों को न्याय मिले। हम लोग के साथ में ऐसा गलत हुआ है, ये आगे के लिए सीख मिले। ये ऊर्जा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये आग्रह करते हैं कि ऐसे दोषियों को सजा मिले और आगे भविष्य के लिए एक रास्ता बने कि दोषियों को सजा मिले और निर्दोषों को न्याय मिले। ये तो खैर कहा नहीं जा सकता कि क्योंकि सरकार में बहुत सारे लोग दोषी हैं और अभी तक सरकार में बने हुए हैं, तो आप लोगों कैसे बातें मानी जाएगी? ये तो जी, मेरी उम्र जो है 47 साल की आ गई है, हमारे बच्चे बालिग हैं, उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई है, और बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर है। और आज 3 साल के बाद जो है बिल्कुल नंबर एक की भर्ती थी आयोग के द्वारा भर्ती हुई, हम हाई मेरिट वाले हैं, हाई मेरिट में होने के बाद भी 3 साल ज्वाइन करने नौकरी करने के बाद अचानक से ही हमें रातों रात बाहर निकाल दिया जाता है। हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में, उसके बावजूद भी आज हमको निकाले हुए 4.25 साल हो गए। मई 2018 में हमको निकाल दिया गया था, और ये समझ लीजिए 4.25 साल के लगभग हमको हो गए हैं, और हमारी ये जो हालत है बड़ी दयनीय है, और इतनी दयनीय है कि हम मानसिक रूप से भी, और ये समझ लीजिए तो हमारी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल चुकी है, हमारी जो माली हालत है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी, और 174 दिन से आज ये इको गार्डन में हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि ताकि सरकार के तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारा समायोजन हो सके, लेकिन 174 दिन के होने के बाद भी आज हमारी जो है ये भीख मांगने की नौबत आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमें नहीं सुन रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए हमारा जल्द से जल्द समायोजन करे, और अगर समायोजन नहीं होता तो उसका खमियाजा अगली सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो समायोजन का मसला है, और ये 174 दिन हो गए, हो सकता है कि अभी लगातार ऐसी तरीके से चलता रहे प्रदर्शन, लेकिन सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।